और आज हम यहाँ में किसलिए यहाँ में आए बोलने से, यह लोअर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट जीरो में उस दिन जो दोस्त लोग बोला था कि डीसी ऑफिस अंदर में बहुत सा करप्शन चल रहा है बोला है, तब हमको कुछ इशू उठाओ बोला है। हम बोला अंधा मुंदा हम लोग कैसे उठाएगा, डिटेल कॉपी तो होना पड़ेगा ऐसे बोल के हम ये आरटीआई फाइल किया था। आरटीआई फाइल किए तो और उसमें हम सीनियरिटी लिस्ट को मांगा है 2018-20 और उसका अपॉइंटमेंट ये ऑर्डर कॉपी को भी मांगा है, कितना अपॉइंटमेंट किया उसका भी मांगा है। और सच में देखा है तो बहुत सा इलीगल है और उसमें 11 कैंडिडेट इलीगल अपॉइंटमेंट किया है और उसमें बिना एडवर्टाइजमेंट का उन्होंने किया है। और उसमें डीपीसी उन लोग डीपीसी बेहता है बोला है उस दिन, ये मार्च को डीपीसी बेहता था बोला है। और डीपीसी का मीनिंग को जानता है क्या, नहीं जानता है, मालूम नहीं है। डीसी जो सीनियर वाला को नहीं देखिए कहाँ से ये नया वाला इतना अपॉइंटमेंट 11 आदमी कैंडिडेट अपॉइंटमेंट करके रखा है और उसका नाम को भी हम बता देगा। यह एक नंबर श्री चुहू पनीर यूडीसी है और पादे राजन एलडीसी, लिखा यारिन एलडीसी, पादे पुबियंग एलडीसी, लिखा असम एलडीसी, लिगा मुम्पा प्योन, मदन रिजो प्योन, चुहू तादो हैंडलमैन, बनी आरोन हैंडलमैन, तया यजा प्योन, तको मामा प्योन। और हम ये सब लिस्ट को हम उन लोग का निकल के जो अपॉइंटमेंट किया वाला को भी निकल के हम कंपेयर करके देखा है, ये लोग कुछ भी सीनियरिटी लिस्ट में कुछ भी नहीं है ये लोग जो, और ये लोग को डायरेक्ट नया अपॉइंटमेंट किया है। और इतना सीनियर वाला लोग जो 20-30 ईयर्स होके बेहतर है उसको क्यों नहीं दिया है, वही है मेरा क्वेश्चन जो। और जीरो डीसी ये अब क्यों ये इलीगल काम किया, वही हम आज क्वेश्चन कर रहे हैं और उसको जल्दी टर्मिनेट करना है ये आदमी लोग को, टर्मिनेट करके ये प्रेस एडवर्टाइजमेंट करना है। इतना अनएम्प्लॉयमेंट लोग है, लोअर सुबनसिरी का अनएम्प्लॉयमेंट इतना दुनिया भर का है, कुछ नौकरी नहीं मिलके इतना तकलीफ में घूम रहा है पढ़ाई करके, और वो सब को एडवर्टाइजमेंट करके इंटरव्यू देने से कितना अच्छा बात है। और ऐसे नहीं किया है, ये पूरा अपना मन मर्जी अपॉइंटमेंट कर दिया जीरो का डीसी जो, इसलिए उसको हम लोग ऑल और नेचुरल वॉलेंटियर सेना हम लोग नहीं मानता है हम लोग का टीम जो, और उसको इमीडिएट कॉन्डक्ट करो। और उसका बाद में यह लोअर सुबनसिरी जो हम लोग का 2 MLA है, हम लोग का ऑनरेबल मिनिस्टर तागे ताके, ऑनरेबल मिनिस्टर तबा तदर, और आप दोनों भी जानता है ना नहीं जानता है मालूम नहीं है ये मित्र को, और नहीं जानता है तो आज से आप दोनों भी जानिए और जान के आप दोनों भी सरस उसको इशू उठाने सीखे। जो गलती किया है उसको आप लोग आप दोनों का पावर से कुछ कीजिए और उसको प्रेस एडवर्टाइजमेंट करने के लिए आप लोग कर दीजिए। और उसको हम एक तो ये अपील करना चाहता है ये हम लोग का जो CM पेमा खांडू सर से, और जीरो का जो DC जो अपना मन मर्जी से इतना ये कर रहा है उसको आप भी कुछ तो कीजिए। और उस दिन हम 31 को ये कंप्लेन दिया था 31 अगस्त को, और हम अपॉइंटमेंट के लिए DC को इतना बार बार अपॉइंटमेंट मांगा है, अपॉइंटमेंट नहीं दिया है। हम 5-6 बार जैसा आया है, 11 तारीख तक कोशिश किया है, हमको अपॉइंटमेंट नहीं दिया है, वो क्या के लिए नहीं दिया है हमको मालूम नहीं है। इसलिए ऐसे वाला DC को भी हम लोग नहीं चाहिए, और ये DC को CM सर अब इमीडिएट उसको भी ट्रांसफ़र करना है
और पब्लिक को सेवा करने नहीं आती, वो अपना फैमिली फैमिली को देखभाल करने के लिए आए कि हम वही पूछना चाहता है। और ये डीसी को इमीडिएट ट्रांसफ़र करो, और जितना इलीगल किया है और जो जो ऑफिसर इन्वॉल्व है वो सब को आप लोग एक्शन लेना है। और हम लोग का तरफ से, और ये हम लोग का डिमांड जो, ये जितना 11 कैंडिडेट को टर्मिनेट करना है, और जो हम लोग डिमांड ये 1 मंथ के लिए हम लोग समय दे रहा है, और ये 1 मंथ में 30 डेज आज से लेके 30 डेज, और उसमें नहीं मानता है तो, और हम लोग ये डीसी ऑफिस में धरना करेगा जीरो में। किसको बोल रहा है? डीसी को अपॉइंटमेंट दिया? हाँ, डीसी जो अपॉइंटमेंट दिया है ये लोग को ना, वो जो ये आपका ये चुहू तकर डीसी जो, हाँ वो प्रेजेंट नहीं है, वो फॉर्मर हो गया, वो रिटायर हो गया, हाँ उस दिन निकल गया। अभी एक नया डीसी आया है, और एक तो है उससे आगे वाला किमोलोलिन भी, वो एक दो तो कुछ वो भी करके गया है, और ये चुहू तकर का ज़्यादा बार किया है, और ये चुहू पनीर जो चुहू तकर का बेटा है उसको अभी जो आपका 11 अपॉइंटमेंट है वो कौन डीसी किया है? मतलब ये चुहू तकर का टेन्योर में किया है, और एक तो जो किमोलोलिन उस दिन ये किमोलोलिन ना, हाँ वो भी उसमें एक दो तो किया है। कौन ये लोग जो, ये सब पूरा रेगुलर है आपका, यूडीसी एक तो ना, और एलडीसी आपका 4 तो है, और पियोन भी 4 है, और हैंडलमैन 2 तो है, और पूरा रेगुलर है। डीसी ऑफिस ना? हाँ डीसी ऑफिस का है।